आज सारे संसार में क्रिसमस की धूमधाम है, न केवल घरों में परंतु शॉपिंग मॉल, बाजार, एयरपोर्ट, इन सब जगहों पर आप क्रिसमस की चमक देख सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे और आपके सामने है कि क्रिसमस क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसे किसे मनाना चाहिए, क्या एक क्रिसमस एक ईसाई धर्म का मुख्य त्यौहार है। संसार के तमाम त्योहारों की भीड़ भाड़ में एक और त्योहार की भूमिका क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल में फिलिप्पुस और खोजा नामक व्यक्ति के बीच बातचीत चल रही थी। इस बातचीत के दौरान फिलिप्पुस ने एक प्रश्न पूछा, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझता है। इस उत्तर में खोजे नामक व्यक्ति ने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं इसे कैसे समझूंगा। मैं स्वयं इस बात से बहुत प्रभावित होता हूं कि खोजे ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मेरे पास इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। इससे ये बात प्रकट होती है कि सत्य को जानने की लालसा ही हमें सत्य तक पहुंचाती है। इसलिए बाइबल बताती है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए क्रिसमस के सत्य को जानने के लिए हम कुछ मूल बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला, परमेश्वर की महानता और पवित्रता, और दूसरा, मनुष्य की पाप में दशा, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है परमेश्वर का उपाय। पवित्र शास्त्र बाइबल और भारतीय दर्शनों में परमेश्वर की महानता व पवित्रता का एक विराट चित्रण दिया गया है। आदि भारतीय शास्त्रों में परमेश्वर को सत्य और पवित्र, यज्ञ पुरोहित, दूसरी ओर बाइबल में सर्वव्यापी, अति करुणामय, तेजोमय और महान सृष्टिकर्ता और बलिदान का केंद्र बताया गया है। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता है और उसने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया और अदन की वाटिका में रखा। बाइबल ये भी बताती है कि प्रत्येक दिन परमेश्वर स्वयं आदम और हव्वा से मिलने के लिए अदन की वाटिका में आते थे। मैं इस संगति के बारे में सोचकर बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। एक इतना अद्भुत है, इतना सुंदर मेल है सृष्टि और सृष्टिकर्ता के मध्य। परंतु एक दिन जब स्वयं परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आए, आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने लगे, डरने लगे। क्रिसमस का सारा भेद इसी घटना में छिपा है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की पवित्रता पर विशेष बल देती है। यशाया नामक प्रभु के एक सेवक ने परमेश्वर का दर्शन पाया जिसमें वे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा न रह सका। स्वयं स्वर्गदूतों ने भी अपनी आंखों को अपनी पंखों से ढक लिया और वो परमेश्वर की आराधना में पवित्र, पवित्र और पवित्र कह रहे थे। उपरोक्त दृष्टांत से एक बात समझ में आती है कि उस दिन आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप रहे थे और डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पवित्र परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप में गिर गए और मनुष्य के साथ परमेश्वर का वो अलौकिक संबंध टूट गया। अब हम अपने दूसरे मूल बिंदु अर्थात मनुष्य की दशा पर बात करेंगे। मानव के सामने पृथ्वी पर सबसे भयंकर समस्या पाप है। आप चाहे किसी भी भाषा, किसी भी जाति, धर्म के क्यों ना हो, पाप का डंक डसने से नहीं छोड़ता। हम सब पाप की आक्रामक शक्ति के शिकार हुए हैं। संत तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी याजक आए के कौन भयो समरन, कंचन पे कुंचन किन न पसारो हाथ। पवित्र शास्त्र बाइबल भी कहती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। साथ ही यह भी बताती है कि दुष्ट जन अर्थात एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति अर्थात एक अधर्मी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। मनुष्य सदा से ही इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता आया है और इसलिए आज इस संसार में बहुत से धर्म, संस्कार, रीति रिवाज और कर्म कांड, जिसको हम रिलीजियस सिस्टम कह सकते हैं, स्थापित है और इन सभी सिद्धांतों का एक ही लक्ष्य है, उस पवित्र परमेश्वर की संगति को पुनः प्राप्त करना। इंग्लिश में इसे सैल्वेशन, हिंदी में उद्धार और संस्कृत भाषा में इसे मोक्ष कहा गया है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि कोई भी मनुष्य इस पाप की गहरी खाई से अपनी बुद्धि और अपने बल और अपने प्रयास से नहीं निकल सकता। इसलिए स्वयं राजा दाऊद ने उस परमेश्वर को अपना शरण स्थल, राजा सुलेमान ने उसे उद्धारकर्ता कहा है। क्या मनुष्य स्वयं अपना उद्धारकर्ता बन सकता है? इस सवाल का उत्तर हमें भारतीय दर्शन से भी मिलता है। यहाँ लिखा है, न योगिन न सांखिन कर्मलानुना विधाया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। अर्थात न योगा करने से, न ब्रह्म चिंतन करने से, न अच्छे धार्मिक कामों को करने से किसी भी प्रकार से मनुष्य उस उद्धार को अर्थात उस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। आदि ग्रंथ साहिब में भी परमेश्वर को ही उद्धारकर्ता कहा गया है और कहा, अधिक जतन नहीं हो छुटारा। अर्थात मनुष्य कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी धर्म और सिद्धांतों को मान ले, परमेश्वर के साथ उसका संबंध स्थापित नहीं हो सकता। इन सारी घटनाओं को समझाने के लिए मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची कहानी बताता हूँ। जब मैं एक छोटा बालक था, मैं अपने मित्र से एक खिलौना मांग कर ले आया। मैंने उससे वायदा किया कि मैं ये खिलौना कल उसे वापस कर दूंगा, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य था कि वो खिलौना उसी दिन टूट गया। मेरे हृदय में एक डर आ गया कि कल मैं अपने मित्र से क्या कहूंगा, मुझे ये खिलौना उसे वापस करना है। मैं पूरा दिन परेशान और दुखी था। रात के समय में मैं लगभग रो रहा था। मेरे पिताजी ऑफिस से आए और उन्होंने मेरी इस दयनीय, इस कठिन परिस्थिति को देखा। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे तैयार कर बाजार ले गए। जब हम बाजार पहुंचे, उन्होंने मुझे एक दुकान में ले जाकर खड़ा किया और उस दुकानदार से कहा, क्या तुम्हारे पास ठीक ऐसा ही खिलौना है? दुकानदार ने कहा, जी हाँ, मेरे पास बिल्कुल ऐसा खिलौना है। और इस तरह मेरे पिताजी ने उस स्थान पर दो खिलौने लिए। अब सवाल आता है कि मेरे पिताजी ने दो खिलौने क्यों खरीदे? एक खिलौना मेरी भरपाई के लिए, एक खिलौना मेरे उस दंड के लिए जो कल मुझे अपने मित्र को दे रहा है, और दूसरा मेरे आनंद के लिए। क्रिसमस के सही अर्थ और भाव को समझने के लिए परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य पापी है, इस दो बातों को, भेदों को जानना बहुत आवश्यक है। जिस तरह दही के मथने से मक्खन प्रकट होता है, इसी तरह इन आत्मिक सिद्धांतों को गहराई से जानने के बाद उद्धारकर्ता शब्द आपके लिए भावार्थ होगा। क्रिसमस परमेश्वर के मनुष्य देह धारण कर इस संसार में आने की एक अद्भुत, अलौकिक और ऐतिहासिक घटना है। क्रिसमस परमेश्वर का एक उपाय है जिसमें संपूर्ण मानव जाति के लिए शुभ संदेश है कि परमेश्वर की दया और प्रेम आज भी शाश्वत है। क्रूस की भयानक मृत्यु को चक्कर परमेश्वर ने न केवल अपने सनातन प्रेम परंतु न्याय को प्रकट किया कि संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया गया। क्रिसमस उद्धार का जय घोष है जिसकी लालसा सदियों से मनुष्य करता आया है। 33.5 साल तक परमेश्वर मनुष्य बना और मनुष्यों के बीच में रहा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। स्मरण रहे, जिसके पास जीवन है वही आपको जीवन दे सकता है। क्रूसीय महाबलिदान के 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात की आशा देता है कि उसके पास जीवन है। इसलिए उसने कहा है, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको क्रूस के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप क्रूस का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि प्राचीन काल में क्रूस एक भयानक मृत्यु देने का तरीका था, एक दंड देने का तरीका था। रोमी सरकार बहुत बड़े अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया करते थे। ऐसा ही एक क्रूस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रूस एक भयानक लकड़ी का टुकड़ा था जिसे देखकर लोग डरते थे। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, उसको देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ये क्रूस प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, मैं और आप इस बात को जानते हैं कि किस तरह उस क्रूस की परिभाषा बदल गई। वही क्रूस जिससे लोग डरते, घबराते, जिससे छिपते, आज उसी क्रूस को ऊंचाई पर लगाते, उसके सामने नतमस्तक होते। वो क्रूस जो डर और भय का चिन्ह था, आज वो उद्धार और प्रेम का चिन्ह है। इन सारी बातों को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि अदन की वाटिका में पाप के कारण वो संबंध जो टूट गया था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें लौटा दिया गया। यदि ईश्वर की खोज करने का मानवीय परिश्रम का नाम है धर्म, तो मानव की सहायता करने का ईश्वरीय उपकार का नाम है शुभ संदेश।
मेरी प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, यह क्रिसमस आपके लिए बहुत सी आशीषों को लेकर आए।